बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के बढ़ने से अस्पताल में मरीज समा नहीं रहे हैं। अस्पताल की सामान्य ओपीडी का आंकड़ा दोगुना हो गया है। इस परिस्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी भी जारी है। बारिश के मौसम में कई बार बारिश का पानी पेयजल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे पानी में संक्रामक बीमारी सहित उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के दिनों में साफ पानी के लिए उसे उबाल कर पीने की सलाह दी है। इसके साथ ही बाजार में खुली सामग्री सहित सड़े गले फलों से दूर रहने की नसीहत भी देकर बीमारी से बचाव की अपील जारी की है। बरसात के मौसम में पानी बरसने के कारण जो पानी ऊपर का है वो हमारे पीने के पानी के सोर्सेस में जैसे हैंडपम्प आदि में कुओं में मिल जाता है, वो इस मौसम में जो पानी दूषित हो जाता है वहाँ वो पानी उबाल कर पीना चाहिए और नदी नालों का गड्ढों का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे उल्टी दस्त की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, इस मौसम में खाद्य सामग्री सड़ी गली ना खाएं, ताज़ा भोजन करें और ताज़ा फल सब्जियां खाएं। एक और क्या है कि बारिश में मच्छर पनपने लगते हैं, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है तो उसमें मच्छर अंडे देते हैं और उनसे लार्वा बनते हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ती है और मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और डेंगू की बार इस तरह की विभिन्न बीमारियाँ जो मच्छरों से होती हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। तो इससे हम सावधान रहें, मच्छरों को न पनपने दें, पानी की निकासी करें और हम जो है ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा शरीर ढक जाए, मच्छर हमको ना काट पाए और इसके बाद ही कोई बुखार किसी को आ जाता है तो वो स्लाइड बनवाएं और उनकी जांच करवाएं, पूरा ट्रीटमेंट दें, इससे रिलैक्स ना हो। सर बमोरी तरफ देखा गया है सर, बच्चों को झाड़ फूंक कर रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? दूसरा क्या है कि उस गांव में हम गए थे, उसमें भारी गंदगी फैली हुई बीलखेड़ा गाँव है, तो हमने वहाँ लोगों को साफ सफाई रखने के घरों उनके घरों में पास में मवेशी बंधे हुए हैं, वहाँ गंदगी है, घरों के पास मवेशी ना बांधें, गांव में साफ़ सफाई रखें, रुकी हुई पानी की निकासी करें और जो पानी रुका है उसमें तेल डालें जिससे कि वो लेयर बन जाती है, उससे लार्वा सांस नहीं ले पाता, वो ख़त्म हो जाते हैं लार्वा मच्छर के, ऐसा करें और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि जो बुखार है तो कई बार लोग क्या समझते हैं कि झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा इलाज का समय बर्बाद हो जाता है और इलाज सही समय पे हमको नहीं मिल पाता। दूसरा एक और क्या है, बारिश के सीज़न में एक चीज़ और देखने में आती है कि जो बारिश की वजह से गड्ढों में पानी भर जाता है, सांपों के गलों में पानी भर जाता है तो बाहर निकल के आ जाते हैं, ज़मीन पे रेंगते हैं, वो तो घरों में भी घुस जाते हैं, तो खेतों में भी खतरा रहता है। तो ऐसे मौसम में जैसे किसी के साथ दुर्घटना इस तरह की घट जाए तो उसको झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ के सीधा अस्पताल इलाज करवाने के लिए आना चाहिए। अस्पताल में इसकी प्रभावी दवाइयां हैं जिनके उपचार से सांप का काटा हुआ व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन झाड़ फूंक में समय बर्बाद करेगा तो इलाज का उसका जो बहुमूल्य समय है वो निकल जाता है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसा हम